So let's say now we are going to understand how to take a 2D input from a user. Two dimensional input of user se kis tarike se loge. For this demonstration, we are going to make a use of a list. हम इसमें अपने list को use करेंगे. तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक variable ले लिया m. Okay, I'm going to make a use of an input function. और मैंने यहाँ पे पूछ लिया कि enter the size of row. Okay, और फिर मैंने इसको एक बार टाइपकास्ट करा लिया इंटीजर में, क्योंकि ये आपसे एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट रिसीव करेगा. तो यहाँ पर अभी सबसे पहले आपने क्या पूछ लिया, एंटर द साइज ऑफ रो. देयर आफ्टर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया n. n में मैंने यहाँ पे यूज किया इंटीजर. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस इनपुट फंक्शन और मैंने यहाँ पे पूछ लिया एंटर द साइज of column. अब यहाँ पर अब ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ और वो लिस्ट में एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पर एक नाम ले लिया मैट्रिक्स और मैंने यहाँ पर इसमें एक एम्प्टी लिस्ट बना दी. अब लेट्स से इन अ लिस्ट वी हैव अ फंक्शन नेम्ड एज अपेंड और एक और फंक्शन होता है एक्सटेंड. ये जो अपेंड और एक्सटेंड है ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, यहाँ पर आप इस डायग्राम को समझो. अपेंड क्या करता है, इट अपडेट द लिस्ट बाय एडिंग एन ऑब्जेक्ट टू द लिस्ट. अपेंड एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, नेस्टेड लिस्ट का, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड कर देता है. एंड व्हाट दिस एक्सटेंड विल डू, इट इज यूज्ड टू मर्ज टू लिस्ट और इंसर्ट मल्टीपल एलिमेंट्स इन वन लिस्ट. यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इन अ बेटर वे. एक्सटेंड देखो क्या कर रहा है और अपेंड क्या कर रहा है. अपेंड यहाँ पर क्या कर रहा है, एक नेस्टेड लिस्ट बना रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैंने यहाँ पर एक लूप यूज किया फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और मैंने रेंज यहाँ पर कितनी चला दी, जीरो से लेके एम तक. मैंने भी क्या रेंज चला दी, जीरो से लेके एम तक. एंड I'm going to make a use of this append function. मैंने यहाँ पर इस append function को use कर लिया और append मेरे को क्या कराना है, मेरे को यहाँ पर append ये कराना. So can anyone explain me this statement fifth or sixth? ये fifth or sixth line पे explain कर सकता है. आपको यहाँ पर m क्या है, number of row. तो सबसे पहले अभी आपने क्या किया, आपने एक है ना एम्प्टी लिस्ट बनाई, वो आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके से बनी होगी. अपेंड क्या करते हैं कि लेट्स से अगर मैंने बोला कि तीन रो इंसर्ट करा रहे हैं, तीन रो मैंने डाल दिए, तो ये अपेंड क्या करेगा, ये और ये, ठीक है. ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे ड्रॉ करके आपको दिखाया, अगर यूजर ने तीन डाला तो अपेंड अप क्या करा रहे, और एम्प्टी लिस्ट अपेंड करा रहे. तो लिस्ट के अंदर आपने यहाँ पर तीन और लिस्ट अपेंड करा ये. तो अगर हम टू क्रॉस थ्री डालेंगे तो आपकी लिस्ट अभी कुछ इस तरीके से बन जाएगी. नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू दिस मैट्रिक्स. मेरे को क्या करा रहे, इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करा रहे और वो एलिमेंट भी मैं यूजर से लूंगा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज जीरो कॉमा एम. देन यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ नेस्टेड फॉर लूप. तो मैंने इसके अंदर एक और लूप चलाया फॉर जे इन रेंज जीरो कॉमा एम. तो अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यूशन भी करा रहा हूँ. अब मैंने यहाँ पे देखो क्या एग्जीक्यूट किया, मैट्रिक्स का आयत इंडेक्स एक बार मैंने यहाँ पर पास कर दिया और यहाँ पर मैंने कर लिया डॉट अपेंड जी. ये स्टेटमेंट एक मैंने अभी लिख दिया. अब ये लाइन क्या कर रही है एग्जैक्टली, इन ईच रो वी हैव टू अपेंड
the n number of कॉलम्स। तो यहां तक अभी हमने क्या कर दिया कि मैट्रिक्स के आयत पे एक बार अपेंड करा दिया जे। ये मैं आपको एक बार समझा भी देता हूं पेन से। तो सबसे पहले अभी आपने क्या किया, एक आपने लिस्ट बनाई है और उसके अंदर आपने दो लिस्ट अपेंड कराई है इस तरीके से। अब ये जो पहली वाली है ये आपके जीरो पोजीशन पे है और ये जो दूसरी है ये किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। ओके okay? अब बात करते हैं इस वाली लाइन का क्या मतलब है। फिर मैट्रिक्स के आयत पे मतलब मैट्रिक्स के जीरो पोजीशन पे आप उतने एलिमेंट अपेंड करा दो जितने आपके जे में है। तो अगर यूजर ने 3 डाला तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा इस तरीके से। फिर यहां पर आ जाएगा 0, 1 और 2, क्योंकि हर एक रो में मेरे को उतने एलिमेंट चाहिए जितने यूजर स्पेसिफाइड करेगा। देयर आफ्टर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो ये मैं एक बार हटा देता हूं। कर दिया आपने। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि मैट्रिक्स के आयत को और जेत को अभी फिलहाल एक जीरो वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करा दें। अभी बस मेरा मैट्रिक्स बना है एलिमेंट्स, अब हम इसमें इंसर्ट कराएंगे। अभी आपका बस क्या बना है, एक है ना आपका सिर्फ एक मैट्रिक्स बना है और जिसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया विद द वैल्यू जीरो। अब लेट्स से अगर आप और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो टू डायमेंशनल एरे के लिए, यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ नेस्टेड लूप। तो मैंने यहां पे चला लिया फॉर आई इन रेंज 0, m तक। फिर मैंने यहां पे चला दिया फॉर जे इन रेंज 0, n तक। ये मैंने अभी यहां पर ये लूप चला दिया। फिर मैंने यहां पे बोला कि मैट्रिक्स के आयत पे और jth इंडेक्स पे आप यूजर से एक इनपुट ले। तो मैंने यहां पर इंटीजर लिया, टाइपकास्ट करा लिया इसको इनपुट में। यहां पर आप इस तरीके से भी इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैरामीटर नहीं देना कि एंटर एनी इनपुट, तो आप यहां पर डायरेक्टली भी इनपुट इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आपको लिख रहे हैं कि एंटर एलिमेंट कुछ इस तरीके से, तो देयर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, और प्रिंट स्टेटमेंट लिखा कि एलिमेंट, यहां पर मैं एक बस को कंकैटिनेट कराता हूं विद आयत वैल्यू और फिर यहां पर मैं इस तरीके से कंकैटिनेट कराता हूं। पर कुछ इशू होता है और यहां पर लेट्स से मैं इसको कंकैटिनेट करता हूं विद jth वैल्यू। यहां पर इसको कराते हैं इस तरीके से प्रिंट। तो ये क्या दिखा देगा कि एंटर एलिमेंट आयत की पोजीशन और आपके jth की पोजीशन, और उसी वाली पोजीशन पे क्या ले लेगा, आपसे एक इनपुट रिसीव कर लेगा। और उसके बाद लेट्स से मैं यहां पर प्रिंट भी कराता हूं जो भी आपका मैट्रिक्स आई। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस सेल। एक बार चेक कर लेते हैं कोई इसमें इशू तो नहीं है। तो सबसे पहले अभी ये आपसे पूछेगा कि एंटर द साइज ऑफ रो, मैंने यहां पे दे दिया 2, एंटर द साइज ऑफ कॉलम 3। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा पूछ रहा है, 0 by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and you will going to get your output 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is how you can take in 2D input from user in your Python programming.